पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता हो, संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही हो, धन हानि हो रही हो और ज्योतिष शास्त्र पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार पितृपक्ष कल यानी 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान कुछ बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किन कामों को इस दौरान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुश घास से बनी अंगूठी पहने। इसका उपयोग पूर्वजों का आवाहन करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। शास्त्र समस्त मान्यता ये है कि किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म यानी पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। चलिए अब बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान वाहन या नया सामान न खरीदें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या शराब का सेवन न करें। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त ना हो, ये श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणामों को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल न पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजों को खाना मना है, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करें। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो ये विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं तो वो अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। पिंडदान के वक्त तुलसी जरूर रखें। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है। वो श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं व आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।